गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय फैमिली माय लाइफलाइन। होप आप सब बहुत अच्छे हो। आज मैं शेयर करने वाली हूँ, मैंने एक साड़ी में गुजराती स्टिच किया था, सिंधी स्टिच भी बोलते हैं, तो मैं वो आपसे शेयर करूंगी। तो मैंने ये प्लेन साड़ी मंगाया था अमेजन से, उसमें सिर्फ बॉर्डर था। तो मैं वो साड़ी पहले कैसे था और अभी करने के बाद कैसा मैंने किया है वो आपसे मैं शेयर करूंगी। मेरे घर में दो मॉडल्स है, उन्हीं लोग से मैं वो साड़ी पहना के दिखाती हूँ, तो फिर आपको समझेगा। ये साड़ी ऐसा था, ये सिर्फ ये बॉर्डर ही था, प्लेन था बाकी। तो मैंने ये आंचल का पार्ट है, तो मैंने यहाँ थोड़ा बड़ा बड़ा स्टिच किया है, ये आंचल का पार्ट। और इधर पूरा बॉडी में मैंने ऐसे छोटे छोटे गुजराती स्टिच से, और थोड़ा सा मैंने ये गोल्डन ऐसा मिरर लगाया है, ऐसा पूरा साड़ी में मैंने ऐसा ही छोटे छोटे ऐसे गुजराती स्टिच करके ये पूरा भरा है साड़ी को। मैं आपको ये प्लेन साड़ी कैसा था वो भी आपको दिखाती हूँ, और ये बनने के बाद पहनने से और सुंदर लग रहा है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। आज मैं आपसे फिश बॉल्स या फिश फिंगर का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसका मिक्सचर सेम ही होता है, आप सिर्फ शेप चेंज कर दीजिए तो बस फिश बॉल्स या फिश फिंगर कह सकते हैं। तो उसका रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करूंगी। मैं रोहू फिश से बनाई हूँ। आप घर आपके घर में जो भी फिश है, रोहू, कातला या कोई भी सी फिश होगा उससे भी चलेगा, तो कोई भी बड़ी मच्छी से आप ये कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को फिश बॉल्स या फिश फिंगर का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, और इधर मैंने चॉप्ड 2 अनियन ले लिया है मीडियम साइज का, फ्राई करूंगी अच्छे से। मैं इसको मीडियम फ्लेम में भून लूंगी, अनियन, चॉप्ड अनियन को। और इधर मैंने 6-7 पीसेस ऐसा रोहू फिश का ले ली थी, और इसको मैंने थोड़ा ऑयल और हल्दी से मैरिनेट करके रखा था। फिर मैं जितना जरूरत है उतना ही पानी देके इसको मैं 10 मिनट्स तक मैंने इसको फिश को उल्टा पलटा के ऐसा मैंने बॉईल कर लिया था, और मैंने इसका सारा काटा वाटा सब निकाल के इसको रखी हूँ। इससे ही हम फिश बॉल्स या फिश फिंगर्स बनाएंगे। तो पहले ये भून लेते हैं, इसमें फिर मैं एक एक करके सारे मसाले दूंगी। यहाँ मैंने जिंजर गार्लिक और एक इंच का जिंजर और 6-7 लहसुन की कलिया और 2 चिल्ली ग्रीन चिल्ली पेस्ट कर लिया है, इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसको भी हम भून लेंगे। इसमें मैं ये गरम मसाला पाउडर दे रही हूँ 1/2 टीस्पून, ये जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और ये मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर दे रही हूँ। अच्छे से हम भून लेंगे। ये सारे मसाले डाल के मैंने 2 मिनट भून लिया है अच्छे से, और मैं ये फिश ये डाल रही हूँ। ये
ये अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे फिश के साथ मसाला पूरा अच्छे से। फिर से मैं ये 2 मिनट तक भून लेती हूँ। ये ब्रेड टोस्टर में टोस्ट कर लिया है और इसको मैं मिक्सी में चला लूंगी तो ये ब्रेड क्रम्ब बन जाएगा। इसी से मैं ये बनाऊंगी, इसका कोटिंग करूंगी। मैं थोड़ा करिएंडर चॉप्ड दे रही हूँ, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने यहाँ ये ब्रेड क्रम्ब कर लिया है मिक्सी में और मैं इसको अभी उतार के ठंडे करके फिर मैं इसका शेप करके मैं कोटिंग करूंगी। ये फिश फिंगर का मैं ऐसा फिंगर का शेप दूंगी तो हाथ से ऐसा हम कर लेंगे। अगर आपका ये डो अगर ज्यादा आपको ये लग रहा है पतला लग रहा है कि अच्छा से नहीं बन रहा है, हार्ड नहीं हुआ है डो, तो इसमें आप दो सूखा जो ब्रेड होते हैं व्हाइट ब्रेड इसको छोटा छोटा पीस करके इसके साथ आप मैश करके डाल दीजिए तो ये आपका थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो आपको ये शेप्स देने में भी आसानी होगा। तो ऐसे आप ऐसा हाथ से ऐसा फिंगर का शेप करके मैं ऐसा शेप दूंगी फिर मैं इसको कोटिंग करूंगी। ये सेम इससे आप फिश बॉल्स भी बना सकते हैं आप। ऐसा लेके ऐसा कर दीजिए तो ये फिंगर का शेप का आ जाएगा। फिर मैं कोट करके दिखाती हूँ और बॉल्स करना है तो बॉल्स कर लीजिए ऐसा, आपको ऐसा गोल गोल आप बॉल्स बना लीजिए तो ये फिश बॉल्स बन जाएगा। आपको जो मन चाहे आप शेप दे सकते हैं इसका। मैंने यहां मैदा थोड़ा ले लिया है और पानी से थोड़ा ऐसा पतला भी नहीं ज्यादा थिक भी नहीं ऐसा घोल बना लिया है। इसमें थोड़ा मैंने नमक और थोड़ा सा चिल्ली पाउडर दिया है। आप इसके जगह एग भी यूज कर सकते हैं, एग को फेंट के इसमें थोड़ा एग में गोल मिर्च और नमक देके आप एग का भी ये बना सकते हैं स्लरी। मैंने ये मैदा का बना लिया है तो हम ये पहले ऐसे डालेंगे। मैंने ये आपको पहले भी दिखा दिया है। फिर हम इसको ये ब्रेड का कोटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा झाड़ के फिर हम ये सेकेंड टाइम कोटिंग करेंगे तो ये सेकेंड टाइम कोटिंग करने से ये और टेस्टी बनता है और अब क्रिस्पी भी होता है बाहर से। बस इस तरह हम इसको कोट कर लेंगे। इस तरह ये सब भी हम ऐसे कोट कर लेंगे। फिर इसको भी ऐसे हम ब्रेड क्रम में कर लेंगे चारों तरफ सब तरफ अच्छे से। फिर एक्स्ट्रा हम झाड़ लेंगे। फिर इसमें और एक बार डालेंगे सेकेंड कोटिंग के लिए। फिर हम इसमें इस तरह हम ऐसे बना लेंगे सारे सब कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग करने के बाद मैं ये 10-15 मिनट फ्रीज में रख दूंगी
फ्रिज में रखने के बाद फिर थोड़ा सा निकाल के 5-10 मिनट के बाद फिर मैं फ्राई करूंगी। सेकेंड कोटिंग इस तरह हम सब बना के 15-20 मिनट्स के लिए मैं नॉर्मल फ्रिज में रखूंगी। उसके बाद फिर पांच निकालने के बाद 5-10 मिनट बाद फिर मैं हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने फिश फिंगर और फिश बॉल्स दोनों बना लिया है, मैं अभी इसको फ्राई करूंगी। ऑयल डाल दिया है मैंने यहाँ पे और अभी मैं मीडियम में फ्लेम को रखूंगी और इस तरह इसको मैं फ्राई कर दूंगी। एक साथ अब ज्यादा मत दे नहीं तो टूट सकता है। होने के बाद ही हम पलटाएंगे, ऑयल ऐसा ऊपर हम डाल देंगे और मीडियम में ही फ्लेम रखेंगे। ये स्लोली फ्राई होगा तो और अच्छा होगा अंदर तक। इसको हम धीरे से फ्लिप कर देंगे। मेरा फिश बॉल्स और फिश फिंगर्स रेडी है। अब हम ये अभी स्नैक्स के जैसे भी आप खा सकते हो। तो मैंने ये बैचेस में फ्राई कर लिया है, डीप फ्राई कर लिया है। नाउ इट्स रेडी टू एंजॉय। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय फ्रेंड्स।